हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं संदीप अरोड़ा स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाई संदीप अरोड़ा में। तो बच्चों, घर पे ही हो गए आप लगता है मुझे, क्योंकि 14 अप्रैल तक हमारा देश लॉकडाउन में है और हमारा घर से बाहर निकलना बंद है। और हम घर पे हैं, आप लोग भी घर पे ही होंगे और घर पे आप बोर भी हो रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि बोर भी हो रहे हो। तो आपको बोर नहीं होना है, क्योंकि आपका अब ये क्या है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपके एग्जाम होंगे, तो आपको आपका जो सिलेबस रहता है उस सिलेबस को घर पे इस लॉकडाउन के दौरान कवर करना है। क्योंकि पहले तो ये था कि कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में टीचर अपने आप सिलेबस कवर करवा देगा। अब आप कॉलेज जा नहीं रहे हो, क्लासेज आपकी लग नहीं रही है, सो आप घर पे ही लॉक हो। और इसीलिए मैंने भी ये सोचा कि मैं भी घर पे हूँ और मैं भी आपकी किसी न किसी तरह से हेल्प करूँ। तो मैं भी अब ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ हेल्प मिल जाए और आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो खासकर ये जो वीडियो है मैंने आज एमए के बच्चों के लिए बनाया है, जो एमए इकोनॉमिक्स सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने ये वीडियो आज बनाया है। तो इसके अंदर एमए सेकेंड सेमेस्टर में जो एक पेपर है हमारा स्टैटिकल मेथड्स का एक पेपर होता है, उस पेपर में हमने कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करना होगा बेसिक्स, क्योंकि हमें पता है कि उसकी 4 यूनिट है उस पेपर में, तो ऑलमोस्ट सभी यूनिट अभी तक कंप्लीट किसी भी कॉलेज में नहीं हो पाई होंगी। तो एक फोर्थ यूनिट का टॉपिक है हमारा स्टैटिकल मेथड्स का कोरिलेशन का। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन को हमने जान लिया था। अगर मैं बात करूं हमारे कॉलेज की, तो उन बच्चों को ये मैंने करवा दिया था। और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्पीयरमैन कोफिशिएंट कोरिलेशन। तो स्पीयरमैन कोफिशिएंट कोरिलेशन को आज हमने जानना है, स्पीयरमैन ने कौन सा फॉर्मूला दिया है कोरिलेशन को फाइंड करने का, और उस फॉर्मूले को कैसे डिजाइन करके, किस प्रकार उसकी कैलकुलेशन करके हम हमारी कोरिलेशन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड। थोड़ा ध्यान से समझेगा बच्चों, इसको थोड़ा सा टिपिकल है, स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड्स। कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए हमारे एक इकोनॉमिस्ट या स्टैटिस्टिशियन कह लीजिए प्रोफेसर स्पीयरमैन ने 1904 के अंदर ये मेथड दिया था। 1904 के अंदर सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है इस मेथड के अंदर, कि इसमें जो कोरिलेशन फाइंड किया स्पीयरमैन ने वो क्वालिटेटिव डाटाज का किया है। क्वालिटेटिव डाटाज का कोरिलेशन फाइंड किया है, यानी दो वेरिएबल है हमारे पास, वाई एंड एक्स। तो वाई और एक्स में हमने कोरिलेशन फाइंड करना है। तो क्वांटिटेटिव रूप में स्पीयरमैन ने फाइंड नहीं किया, इसको किया है क्वालिटेटिव रूप में, क्वालिटेटिव की फॉर्म में इन दोनों के बीच में कोरिलेशन को फाइंड करने का काम स्पीयरमैन ने किया है। वो कैसे किया है कि अब जैसे देखिए, क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसको मेजर नहीं कर पाते, उसको माप नहीं सकते, लाइक दैट। मैं जैसे कह दूं होनेस्टी इंटेलिजेंट, या मैं कह दूं ब्यूटी, ये ऐसे वर्ड, यानी ये क्वालिटी को शो कर रहे हैं उसकी, इसको शो कर रहे हैं क्वालिटी को, और क्वालिटी को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है। क्वालिटी को केवल हम रैंक दे सकते हैं, जैसे मैं कह दूं ब्यूटी, वो लड़की उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है ये कह सकते हैं, वो स्टूडेंट उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो ऑनेस्ट है वो ऑनेस्ट नहीं है। यानी कहने का मतलब, इन सभी को क्वालिटीज को हम रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं।
और इसी चीज को स्पीयरमैन ने लिया है। स्पीयरमैन ने वेरिएबल्स के अंदर दोनों वेरिएबल में रैंक को आधार मानकर कोरिलेशन को फाइंड करने का काम किया है, यानी दोनों वेरिएबल्स में जो रैंक लिए हैं और उस रैंक्स को आपस में कोरिलेट किया है, फिर कोरिलेशन उसके बारे में बताया है कि वो आपस में कितना रिलेशन रखते हैं। तो इस चीज को आधार माना है किसने? स्पीयरमैन ने, और इसको बेस मानकर अपना एक फॉर्मूला डिजाइन स्पीयरमैन ने किया है। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा इतना तो जितना मैंने आपको बताया। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि स्पीयरमैन का फॉर्मूला क्या है, स्पीयरमैन का कोरिलेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें कोरिलेशन को फाइंड करना है, इसको आर से डिनोट करते हैं। आप इसको बड़े कैपिटल आर से डिनोट करोगे, ये चीज भी ध्यान रखें। स्पीयरमैन का जो भी कोरिलेशन को फाइंड करने का मेथड है, फॉर्मूला है, उसमें उसने कोरिलेशन को आर से फाइंड किया है, क्योंकि इसको स्पीयरमैन रैंक मेथड भी बोलते हैं। स्पीयरमैन्स रैंक मेथड, रैंक मेथड भी बोला जाता है। तो स्पीयरमैन का ये जो रैंक मेथड है, इसको कोरिलेशन फाइंड करते हैं, कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर, 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड में एन की पावर 3 यानी एन का क्यूब माइनस एन। ये फॉर्मूला है किसका? स्पीयरमैन का। इस फॉर्मूले से स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग हम कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, आर का तो आपको पता चल ही गया कोरिलेशन, डी क्या है? डी सिग्मा डी स्क्वायर माना है इसने। तो डी क्या है? दो वेरिएबल हमारे पास होंगे, एक की रैंक उसको नाम देंगे आर वन, दूसरे की रैंक आर टू। आर वन में से आर टू को लेस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? डी। ये डी हमें इस तरह फाइंड करना होगा, रैंक होगी दोनों वेरिएबल की, जो रैंक है उसका डिफरेंस लेना है, वो क्या होगा हमारा? डी। एन नंबर्स ऑफ जितना भी पार्टिसिपेंट भी कह सकते हैं, नंबर्स कितने नंबर्स हैं, यानी उनकी क्वांटिटी कितनी है, कितने नंबर्स, कितने डाटा, कितनी आइटम्स हैं, वो उसको हमने क्या कहा है? एन कहा है। तो ये सारी चीजें हमें दी हुई होंगी, उनको हमने फाइंड करना है और उसकी वैल्यू को यहाँ प्लॉट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? कोरिलेशन आ जाएगी। अगर पॉजिटिव यानी प्लस में कोई वैल्यू आती है, प्लस में इसका आंसर आता है, तो इट मीन्स क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशन है। अगर माइनस में आता है, इसका मतलब क्या होगा कि नेगेटिव रिलेशन है। तो इस फॉर्मूले से हम इस कोरिलेशन को फाइंड करेंगे। ओके, कि दिस फॉर्मूला या दिस मेथड कैन बी स्टडीड इन द 3 डिफरेंट सिचुएशन, यानी इस फॉर्मूले को हम 3 अलग अलग सिचुएशन में प्लॉट कर सकते हैं। हमारे पास सामने जब 3 अलग अलग तरह की सिचुएशंस होंगी, उस समय इस फॉर्मूले को लोड करने का जो हमारा सिस्टम रहेगा वो अलग रहेगा। तो वो 3 सिचुएशन कौन कौन सी है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली सिचुएशन है व्हेन रैंक्स आर गिवन, यानी जब हमें, पहली सिचुएशन क्या है? जब हमें रैंक दी हुई हो। सेकंड आती है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, यानी जब हमें रैंक दी हुई ना हो, हमें रैंक फाइंड करनी पड़े, वो सेकंड सिचुएशन। और थर्ड सिचुएशन आती है हमारी व्हेन इक्वल रैंक्स या टाइड रैंक्स, इक्वल और टाइड रैंक्स, ये 3 सिचुएशंस हैं। इन तीनों सिचुएशन में हमने फॉर्मूले को थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और फिर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो सिचुएशन है उसके बारे में हम जान रहे हैं। सबसे पहली सिचुएशन यानी जब हमें जिस चीज का, जिस दो वेरिएबल्स का रैंक फाइंड करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, उसकी रैंक हमें दी हुई होगी। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं छोटा सा, उस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे
उससे हमें क्लियर होगा कि इस प्रकार हम स्पीयरमैन के मेथड्स के द्वारा, स्पीयरमैन के फॉर्मूले के द्वारा हम रैंक को, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला, एक छोटा सा एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कहते हैं इन ए फैंसी ड्रेस कंपटीशन, इन ए फैंसी ड्रेस कंपटीशन टू जजेस अकॉर्डेड द फ्लोइंग रैंक्स, द फ्लोइंग रैंक्स टू 8 पार्टिसिपेंट्स। यानी एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, वहां पर दो जजों के द्वारा 8 पार्टिसिपेंट को अपनी रैंक दी गई है और उन दो जजों का आपस में जो रैंक दी गई है उसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। तो दो जजेस ने जो रैंक दी है वो क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। हमारे सामने दो जज हैं, एक है जज एक्स जिसको नाम देंगे एक्स, दूसरा है जज वाई, जज वाई। दो जज है हमारे पास, इन्होंने रैंक दी है पहले जज की, जैसा कि कह रहा है पहले 8, 7, 6, 3, 2, 1 3, 2, 1, 5 और 4 ये जज एक्स की रैंक है जो उन्होंने दी है, उसके अकॉर्डिंग 8 पार्टिसिपेंट हैं। और जज वाई का 7, 5, 4, 1, 3, 2, 6 और 8 ये हमें रैंक दे रखी है दो जजेज ने अपनी अपनी 8 पार्टिसिपेंट की। कितने 3, 3, 6, 2, 8 यानी 8 पार्टिसिपेंट हैं इन दोनों जजों ने अपनी अपनी रैंक दे रखी है। तो हमारा जो फॉर्मूला है स्पीयरमैन का वो क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फाइंड करने का, 1 - 6σ d² / (n³-n) ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या चाहिए, एन हमें पता है कितने पार्टिसिपेंट है, 8 एन हमारे पास है, हमें चाहिए डी, डी का स्केयर हमें फाइंड करना होगा डी। और डी हमारा कैसे फाइंड होता है आप सभी को पता भी है, मैंने बताया है R1 - R2, R1 में से लेस कर देंगे R2 को तो हमारा क्या फाइंड हो जाएगा डिफरेंस। तो इसमें R क्या होगा, जज X की जो रैंक है वो R1 मान लेते हैं, जज Y की जो रैंक है उसको मान लेते हैं R2 और इसमें से इसको लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी। तो कीजिएगा 8 - 7 - 1, 7 - 5 - 2, 6 - 4 - 2, 3 - 1 - 2, 2 - 3 - 1, 1 - 2 - 1, 1 - 5 - 6 - 1, 4 - 8 तो कितना बनेगा माइनस का 4। क्लियर हुआ, समझ में आया। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि सिग्मा डी इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी डी का जो सिग्मा है, डी का सम टोटल है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। जैसे देख लीजिएगा प्लस प्लस वाले, 3 - 5 = 2, 7 और 7 ही कितने हैं माइनस के हैं, तो 7 - 7 कितना आया 0, 0 हो रहा है, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, डी का स्केयर चाहिए, हमारा फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए डी का स्केयर, तो डी का कर देते हैं स्केयर, डी का स्केयर, डी हमारे पास है, डी का स्केयर करना है तो कैसे होगा, इस डी को उस डी से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को 2 से 4, 2 को 2 से 4, 2 को 2 से 4, 1 - 1 को - 1 से करेंगे तो प्लस का 1, -1 को -1 से करेंगे +1, +1 और -4 को जो -4 से करेंगे तो प्लस का आएगा 16 और ये हमारा डी स्केयर हो गया। अब इस डी स्केयर का हमें क्या चाहिए सिग्मा, किसी सिग्मा, ये हमारा माइनस नहीं है, यहां जोड़िएगा 1, 4, 5, 4, 9, 13, 15, 16, 32 ये इसका सम टोटल कितना आ गया 32। अब ये सारी वैल्यू हमारे पास है, इसको इस फॉर्मूले में प्लॉट कर देते हैं, 1 - 6, 6 इस फॉर्मूले में है और डी स्क्वायर कितना आया है का सिग्मा 32 और एन कितना है 8 और 8 की पावर 3 - 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा कितना आ रहा है, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, 1 - इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी वैल्यू 192, इस 8 की पावर है 3, 8, 8, 8, 8 को वैसे 8, 8 और 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा ये 512, माइनस कर देंगे 8 तो बचेगा 504, 1 - 192 / 504, यानी इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 - इसको सोल्व करेंगे तो
0.381, और हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आप करके देख लीजिएगा बच्चों, 0.619, ये आपका क्या आ गया, प्लस में प्लस का 0.619, तो ये हमारा प्लस में 0.619 क्या आ गई, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इट मींस पॉजिटिव कोरिलेशन है, प्लस में आया है, तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में कैसी रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन आया है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको पहली सिचुएशन में स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना आ गया होगा। अब हम लेते हैं सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन आप सभी को पता है कौन सी थी, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। इसमें हमें क्या था, रैंक दी हुई थी, लेकिन जब सेकंड सिचुएशन है उसमें क्या, रैंक्स जब हमें ना दी हुई हो उस समय रैंक हमें खुद फाइंड करनी पड़ेगी, रैंक हमें खुद फाइंड करनी पड़ेगी, और वो कैसे फाइंड होगी उसके बारे में हम जानेंगे। When ranks are not given, इसको भी एक छोटे से फॉर्मूले से हम ले लेते हैं कि इसमें रैंक हमें दी हुई नहीं है, हमें वेरिएबल दिया हुआ मिलेगा, दो वेरिएबल्स, हमें खुद रैंक फाइंड करनी होगी। इसको भी छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, ओके। ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे इन्होंने दिया है, When ranks are not given, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रैंक फाइंड करनी है। जैसे आपको दे दिया दो वेरिएबल, जैसे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कहता फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक एग्जांपल है ध्यान से सुनिएगा, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल है हमारे पास एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई बाई द मेथड ऑफ रैंक डिफरेंस मेथड, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी, ध्यान से वैल्यू दे रखी है 15, 17, 14, 13, 11, 12, 16, 18, 10 और 9, ये x की वैल्यू हमें दी हुई है। उसके बाद दूसरी वैल्यू है 18, 12, 4, 6, 7, 9, 3, 10, 2 and 5, ये हमारे पास वेरिएबल दिए हुए हैं, दो इनकी वैल्यूज हमें दी हुई है, हमें फाइंड करना है क्या, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा सेम, आप सभी को पता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड करने का, 1 - 6σ d² / (n3 - n), यानी हमें रैंक दी हुई नहीं है, हमें रैंक फाइंड करनी पड़ेगी, यानी R1 और R2 को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि D को फाइंड करना है। और आपको यह भी पता है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि N कितना बनेगा, N की संख्या कितनी दे रखी है वो देख लीजिएगा, कितनी हमारी यहां पर संख्या है, 3, 6, 9, 10, N कितना हमारा 10 है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कितनी आइटम्स है वो हमारा क्या होगा, N होगा। अब हम सीख रहे हैं रैंक निकालना, बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, रैंक कैसे निकाली जाती है, इस चीज को ध्यान से सुनना है। या तो आप ऐसा कीजिए, जैसे हम R1 निकालेंगे तो X, X की आइटम्स लेंगे, और R2 निकालेंगे तो Y के आइटम्स लेंगे। अब R1 निकाल रहे हैं तो यानी X की रैंक को फाइंड कर रहे हैं, जिसको हमने R1 का नाम दिया है, तो सबसे पहली रैंक, फर्स्ट रैंक किसको देंगे, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम क्या देंगे, फर्स्ट रैंक। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है उसको सेकंड रैंक देंगे, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम थर्ड रैंक देंगे। इसी प्रकार इसका रिवर्स भी ले सकते हैं हम, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसको फर्स्ट रैंक, फिर उसके बाद सेकेंड लोएस्ट वैल्यू है उसको सेकेंड, उसके बाद थर्ड लोएस्ट वैल्यू है उसको हम थर्ड रैंक। दोनों सिचुएशन में ऐसा करना होगा, ये नहीं कि एक में असेंडिंग का ले लिया एक में डिसेंडिंग का ले लिया, अगर असेंडिंग ले रहे हो तो दोनों में असेंडिंग, अगर डिसेंडिंग ले रहे हो तो दोनों में डिसेंडिंग। तो हम ले रहे हैं क्या, सबसे पहले इस एक्स सीरीज की हम क्या फाइंड करने हैं, रैंक, यानी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको कितना रैंक देंगे, फर्स्ट रैंक देंगे। इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 18, इसको हमने रैंक दे दिया 1, उसके बाद 17 है 2, इसको 2 दे दिया, उसके बाद 16 है इसको दे दिया 3, 16 के बाद 15 है इसको दे दिया 4, 15 के बाद
14 है इसको दे दिया 5, 14 के बाद 13 है इसको दे दिया 6, 13 के बाद 12 है इसको दे दिया 7, उसके बिल्कुल सामने, और 12 और उसके बाद है 11 इसको दे दिया 8, उसके बाद है 10 इसको दे दिया 9, और 9 उसके बाद है 9 इसको दे दिया क्या देंगे इसको 10, इसको देंगे क्या 10। ओके समझ में आ गया, यानी सबसे हाईएस्ट वैल्यू को हमने दिया 18 को 1, इस प्रकार 17 को 2, उसके बाद 16 को 3, फिर उसके बाद 15 को 4, इस प्रकार हम इसको रैंक प्रोवाइड करेंगे। इसी प्रकार वाई सीरीज का हम आर टू को फाइंड कर लेंगे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखिए 18, इसको कितना देंगे 1, उसके बाद उससे लोएस्ट कौन सी है आई थिंक 12 को हम देंगे 2, 12 से छोटा कौन सा है 10, इसको देंगे हम 3, और 10 के बाद 9 आता है इसको देंगे 4, 9 से छोटा कौन सा है 9 से छोटा 7, इसको देंगे 5, 7 से छोटा 6, और उसके बाद 5 इसको देंगे 7, और 5 से छोटा 4 इसको देंगे 8, और 4 से छोटा 3 इसको देंगे 9, और इसके छोटा इसको देंगे 10। ओके उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको रैंक फाइंड करनी आ गई होगी। अब हमें फाइंड करना है डी, और डी कैसे फाइंड होगा R1 माइनस R2, वो कैसे 4 माइनस 1 कितना होगा, यानी R1 में से R2 को लेस करेंगे डी फाइंड होगा, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 8 3 माइनस का 3, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 5 3, उसके बाद 7 माइनस 4 3, 3 माइनस 9 माइनस 6, 1 माइनस 3 माइनस 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, और 10 10 माइनस 7 3। चेक कर लीजिए इस डी का सिग्मा ऑलवेज किसके इक्वल आता है 0 के, 3 6 9 और 12 प्लस के हो गए, ये देखो 9 और 12, 12 प्लस के 12 माइनस के तो 0। अब हमें क्या करना है डी का स्क्वायर, डी का क्या करेंगे यानी डी को डी से ही मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 0, माइनस 3 को माइनस 3 से प्लस का 9 0, 3 को 3 से 9 9, और माइनस 6 को माइनस 6 से 36, माइनस 2 को माइनस 2 से 4 1, और ये 9। अब इसका कर देंगे क्या सिग्मा, इस डी स्क्वायर का करेंगे सिग्मा, तो इसका सिग्मा आएगा 86, ये डी स्क्वायर का सिग्मा हमारे पास आ चुका है। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना 86, और एन कितना था 10, और इसकी पावर 3 माइनस 10, और इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 1 माइनस 6 को 86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 516, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000, इसमें से 10 को लेस कर देंगे, 1 माइनस 516 ये आया नीचे, 10 इसमें से लेस करेंगे 990, और इसको सॉल्व करेंगे 516 को 990 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.52, और 1 में से 0.52 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.48। ये हमारा क्या आ गया R यानी स्पीयरमैन का कोरिलेशन हमने फाइंड कर लिया, प्लस का 0.48। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये भी समझ में आया होगा। ये थी हमारी सेकंड सिचुएशन जिसके अंदर हमने जाना कि रैंक हमें दी हुई नहीं है, हमने रैंक फाइंड की, फिर उसके बाद डी फाइंड किया, डी स्क्वायर किया, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और उसको कैलकुलेट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग सेकंड सिचुएशन में इस प्रकार हम क्या निकालते हैं, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड करने का काम करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में ये दो ही सिचुएशन आपको करनी है जो आप देख चुके हो किस प्रकार हमने फाइंड किया, एक सिचुएशन और रहती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में इतना ही। तो इस दोनों फॉर्मूले के जितने भी सम आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप उस एक्सरसाइज में जितने सम हैं उसको आज के लिए अच्छे से सारे सम्स को निकाल के देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप सिर्फ इतना कीजिएगा
दो सिचुएशन है व्हेन रैंक्स आर गिवन व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन के जितने भी सम हैं अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करना है, वो आप सारे के सारे फाइंड कर लीजिएगा। आपके लिए ये काम है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे सम आपको निकालने आने चाहिए। ये दोनों एक्सरसाइज में मैं आपको बता देता हूँ, ये मान के चलिए इसके अंदर आपके 9 सम दे रखे हैं, 1.9 एक्सरसाइज है, इसके अंदर 9 सम है। ये 9 के 9 आप निकाल के देखिएगा, बहुत इजी है, जो हमने कर लिया उसके अकॉर्डिंग है। इस 9 में से ये मैं मानता हूं कि 2-3 सम ऐसे होंगे जो तीसरी सिचुएशन के होंगे, उनको आप मत कीजिएगा। बाकी जितने जो इन दोनों सिचुएशन के हैं उनको आज के लिए अच्छे से करके देख लीजिएगा। आज संडे है और संडे को आपने अच्छे से इन पूरी एक्सरसाइज में दोनों सिचुएशन के जितने भी सम हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करना है, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट कर लेना है। आपका ये होमवर्क समझ लीजिए, क्योंकि आप फ्री हैं, घर पे फ्री, और घर पे फ्री कोई काम भी नहीं है, तो इसको आप निकाल सकते हो अच्छे से। तो स्पीयरमैन का ये जो दो सिचुएशन थी इसके अकॉर्डिंग आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। तो बच्चों सीरियस ले लीजिए, लॉकडाउन के दौरान घर बैठे हो, फ्री हो, तो अपने टाइम पास इस प्रकार इन सम्स को करके कर सकते हो, और अपनी तैयारी भी हो जाएगी, एग्जाम लायक भी हो जाओगे, और एग्जाम की आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, या आपके जो साथी हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी एमए कर रहे हैं और वो इस टॉपिक को करना चाहते हैं उन तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपका वो जो प्रॉब्लम्स क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।